विश्वास सारंगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है, किस तरह से देखते हैं सर, क्या मजबूत लग रही है आपको? कांग्रेस का प्रदर्शन बिन दूल्हे की बारात है, बहुत सारे दूल्हा बनने को तैयार हैं, सब अपनी अपनी घोड़ी लेके आए हैं, सेहरा अपने घर पे रख के आए हैं। लगता है कि किसी तरह हमें हमारे चेहरे पर ये सेहरा बन जाए और हम घोड़ी पर बैठ जाएं, और ये इनके अरमान पूरे नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता पूरी तरह साथ है। बिना इशू के इशू बनाने की कांग्रेस जो कोशिश कर रही है, पूरी तरह से फेल प्रदर्शन, पूरी तरह से निष्क्रिय प्रदर्शन। जनता नहीं है और जो आए हैं वो गुंडे हैं, मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के गुंडे कांग्रेस ने भोपाल में इकट्ठे कर लिए, वही उनके स्वागत में देखने को मिला। चंद सौ लोग थे, सैकड़ों की संख्या में लोग, और पूरे एयरपोर्ट का के कांच तोड़ दिए, पूरे भोपाल में अराजकता का माहौल बन गया। कल पीसीसी बार में तब्दील हो गई थी, कल रात की पीसीसी को आप उठाकर देखेंगे, वो एक बड़ी बार थी जहां पर कांग्रेस के तथाकथित गुंडों ने दारू पी। वो क्या प्रदर्शन करेंगे, वो क्या जनता की बात करेंगे? नहीं, अक्सर ये बोलते हैं कि अब ये जो कल आज का प्रदर्शन है, अगले 2018 चुनाव की तैयारी और उसका आगाज शंखनाद है। वही तो मैंने कहा कि दूल्हा पहले ये तो निश्चित कर लो दूल्हा कौन है। बारात निकालने निकल गए पर दूल्हा तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ये था हमारे साथ विश्वास सारंग, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस जितने भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए वो गुंडे हैं कार्यकर्ता, और बिना दूल्हों की बारात यहाँ पर कांग्रेस को बताया है विश्वास सारंग ने। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।